हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप्स कि आप सब अच्छे होंगे और अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। और आज हमारे साथ शरद है, लर्निंग लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई कर चुका है। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस में जो कुछ प्रैक्टिस करवाया जाता है, मैं आज वो शरद से करवा रहा हूँ। यानी कि वहाँ पर जो है आपको एक राउंड में 8 बनवाया जाता है। ठीक है, आप जिस चीज़ की कल्पना करते हैं दोस्तों, वो चीज़ की रचना होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस चीज़ की कल्पना करेंगे, वो उस चीज़ की रचना ज़रूर होगी। और 8 बनाने के लिए जो वहाँ का कंडीशन है कि आपका पैर ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए। तो मैं इस थोड़े से फैल से जगह में लेकर के शरद को आया हूँ और यहाँ पर इनका वो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 5 दिन का और इनका क्लास बचा हुआ है, क्योंकि जब इनका ट्रैफिक वगैरह सब जगह कमांड हो चुका है, बहुत बेटर कर रहे हैं। और शुरुआती दिन से ही इनका बहुत अच्छा गया है ट्रेनिंग। ठीक है, और एक दिन में ही इनका पैर जो ऊपर आ गया था। तो देखिए, आपके लर्निंग स्किल्स अगर बेटर होंगे ना, अगर आप ध्यान लगाइएगा किसी चीज़ में, तो कोई काम नामुमकिन नहीं होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक बेटर ड्राइवर बनने वाले, रुक जाइएगा, आप एक बेटर ड्राइवर बनने जा रहे हैं, एक योग्य वाहन चालक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर देखिए आपका जो कमांड है वो किस तरह से ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लर्निंग लाइसेंस से बने करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तक में हमें काम आती है? तो देखिए, सबसे पहले होता है कि लर्निंग लाइसेंस बनवाया जाता है। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 6 मार्क्स तक आपको लाने अनिवार्य हैं। तो 6 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन किस तरह की पूछती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो होती हैं वो कुछ सेफ्टी पर पूछी जाएंगी, कुछ ट्रैफिक रूल्स पर पूछी जाएंगी, कुछ रोड पर जो वाइट लाइन्स होती हैं उन पर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन तरह की क्वेश्चन जो है आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप पटना से हैं तो मैं आपको बता दूं कि पटना के बिस्कुमान भवन में 4th फ्लोर पर इसका टेस्ट होता है, जो कि ऑनलाइन होता है, सिस्टम बेस्ड होता है। ठीक, आपका लर्निंग लाइसेंस सेम डे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो लर्निंग लाइसेंस। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों की ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या लर्निंग लाइसेंस आ जाने के बाद ही हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, या फिर कुछ दिन का समय मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ जो होता है, 6 मंथ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि लर्निंग लाइसेंस जिस डेट को आपको आपका मिल गया, उस डेट से 6 मंथ तक वो वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद आपको दोबारा से अप्लाई करवाना होगा। तो इस 6 मंथ के अंदर आप अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए 2-व्हीलर में क्या है कि 2-व्हीलर में आपको ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस 8 बनवाया जाएगा। और 8 बनवाने का जो नियम है वो उसमें कि आपका पैर नीचे ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आपका टेस्ट जो है वो पास हो जाएगा। बहुत लोग ब्रोकर के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, यार बहुत ईजी है निकालना, ये बस आपका प्रैक्टिस सही से होना चाहिए। और देख रहे हैं शरद का जो प्रैक्टिस जो है, मैं उसी तरह से करवा रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि ये अपना टेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि इनके पास अभी समय बहुत है। ठीक है, तो ये जब अपना स्कूटी लेंगे, तो मैंने इन्हें बताया कि इसी जगह पर आकर के आप इस तरह से कीजिएगा, मैं भी आपको कुछ मदद कर दूंगा। ठीक है, तो 6 मंथ के बाद जब आप अप्लाई कीजिएगा, तो उसमें स्लॉट बुक करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम और डेट जो है सेलेक्ट करके आप जा करके टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट देने जब जाइएगा, तो आपको आधा घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, ताकि आप जो भी पेपर वर्क्स हैं वो आप वहाँ पर करवा लें। ठीक है, उसके बाद आप अपना वाहन भी ले जा सकते हैं वहाँ पर, या आपके पास स्कूटी है या 4-व्हीलर है, आप अपना ले जा सकते हैं और उस पर भी टेस्ट दे सकते हैं। नहीं तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास है अपना व्हीकल, तो आप उसे ही ले जाइए, क्योंकि उस पर आपका जो हाथ है वो अच्छे तरह से साफ हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने वाहन ही ले जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सभी को। और उसके 1 महीने के बाद जब आप टेस्ट दे करके, जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे चुके हैं, उसके 1 महीने बाद जो आपने
आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस पर बाय पोस्ट आपका ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट करवा दिया जाएगा और आपको एक महीने के भीतर या डेढ़ महीने के भीतर आपके घर पर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह का एक बनाने का प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए। अगर आपका सारा कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो एकदम स्लो में दोस्तों, एकदम स्लो में आपको टर्न करना पड़ता है। ठीक है, जितना स्लो स्कूटी आप चला लीजिएगा उतना अच्छा प्रैक्टिस आपका बनेगा। तो स्कूटी फास्ट चलाने की कोशिश ना करिए, शुरुआती दौर से ही आप जितना हो सके स्लो चलाइए। ठीक है, क्योंकि स्लो में ही आपको एट बन पाएगा। तो एट बनाने के लिए आप एकदम से स्लो स्कूटी को चलाइए और धीरे 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 इस चीज़ की प्रैक्टिस आप जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, और ट्रैफिक नियमों का पालन आप हमेशा करते रहें और अपना ट्रेनिंग लगातार जारी रखते रहें।